कि सांसद और इधर के विधायक सांसद जी आज तक इस पूरा कला में नहीं आए जीतने के बाद। विधायक जी ने यहाँ पर कोई काम नहीं कराया, सिर्फ जो है बात झूठी बातें करते हैं, इनकी जो है संस्कृति झूठी बात। अच्छा चर्चा होगी ही, क्योंकि जनता के बीच में रहे हैं तो चर्चा होगी निश्चित। पूर्वी सरकारी सरकार में अंतर का देख रहे हो, कैसे आपको कॉपरेट करे जा रहा हूँ काम की ना सरकार। पिछली सरकार में किसानों की सुनवाई होती थी, बिजली के नाम पर उगाही नहीं होती थी, बिजली के नाम पर वसूली नहीं होती थी, और पुलिस प्रशासन पिछली सरकार में किसानों का आने जाने वाले राहगीरों को मोटरसाइकिल के चालान के नाम पर उत्पीड़न नहीं कर पाता। आज के समय में चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो, चाहे किसान टांग करके अपनी डीजल बनाने जा रहा हो, प्रशासन पुलिस रोक कर उनसे पहले पैसे वसूल कर दिए जुर्माने के नाम पर। नेता हमारे सामने जो नेता आ रहे हैं उनका जनता से कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, वो ना जनता में रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि चुनाव के बाद भोपाल भाग जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो पहले रहे हैं और जो चुनाव जीतने के बाद 5 साल जनता में कभी दिखाई नहीं दिए, क्षेत्र के लिए कभी कोई काम नहीं किया, काला चश्मा लगा के काली फिल्म की गाड़ी का शीशा चढ़ा करके वो कभी एक आध बार इस क्षेत्र में निकले हुए 5 साल में, इसलिए जनता ने उन सबको नकार दिया है और जनता जो है जल्द करने वाले व्यक्ति को ही चुनने जा रही है। आप सपा के नेता हो के नहीं है? मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ। सपा ने आपको टिकट नहीं दी, इसके बाद भी आप लड़ रहे थे, या तो सपा में आपकी योग्यता नहीं है, सपा वाले आपको देख नहीं पा रहे कि आपने विकास करे काम करे और दूसरे को ये जो चुनाव है ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये व्यक्ति का चुनाव है। जिला पंचायत क्षेत्र पूरा कला से सदस्य पद हेतु श्रीमती कृष्णा कुमारी मानसिंह खैरा एडवोकेट को क्रमांक 1 पर चुनाव चिन्ह आरी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी पूरा कला में हूँ, जो शहर मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूरी पर है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10,000 पूरा कला की जनसंख्या हो गई। पूरा कला एक ऐसा कस्बा है जो अच्छा संपन्न है, देख रेख अच्छी है, साफ सफाई काफ़ी कुछ है, विकास भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम गाँव चौपाल के माध्यम से गाँव जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। 4 साल बेमिसाल, योगी सरकार के 4 साल में कितनी जिंदगी बदली है, कितना आपकी आय बदली है, कितनी इनकम मिली है, कितनी नौकरी मिली है और क्या बदला है, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव भी चल रहे हैं जिला पंचायत के, वार्ड नंबर 1 पूरा कला में टक्कर है अच्छी खासी, और सिटिंग जो कैंडिडेट है जो पहले से जीते हुए हैं एक बार फिर से मैदान में, वो वोट भी मांग रहे हैं एक बार फिर। आइए चर्चा करते हैं। सर क्या नाम आपका? मंगल सिंह यादव। कौन से गाँव के? ग्राम एवनी के। एवनी जी, जिला मतलब पूरा कला क्षेत्र में आता। अच्छा, आप पूरा कला में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, विकास किया है वकील साहब ने। कौन वकील साहब ने? हम तो पूछ मान सिंह यादव। हम तो लोग रखे बेटा राम मान सिंह बोल रहे हैं। और भैया क्या नाम? सुरेश चंद्र। सुरेश चंद्र जी बताएं कौन से गांव के हैं? पूरा कला। पूरा कला में कहा है आपके लिए सबसे अच्छा? सबसे अच्छा गुटकई है जो थूक रहा है। नाली वाली बनी है कि नहीं बनी? नहीं, सब खराब है। सब खराब है। साफ सफाई? साफ सफाई भी चौपट है। प्रधान को तुम्हारे देखो अबे तो कोई नहीं। पहले को तो रजनी राजा करवाओ तो कुछ हाँ करवाओ नाली नहीं बनवा पाएंगे। नाली सफाई सफाई कर्मी आप बीजेपी को नेता सफाई कर्मी नहीं आ तुम्हारे? नहीं, वो योगी जी को तो पकड़े हुए झाड़ू पकड़ा। योगी जी के आ रहे थे झाड़ू पकड़ा तो देखी हुई है ना? हाँ देखी है। प्रदेश अध्यक्ष को भी देखी हुई है, झाड़ू लगा बीजेपी के नेता नहीं। विधायक को है तुम्हारा? विधायक को है। विधायक राम रतन कुशवाहा। और भैया सुनाओ सुनाओ सब क्या हालचाल है? अरे आप बताओ क्या हाल चाल है क्षेत्र के? गुंडा गिरती है क्षेत्र में? दारू भी बिकता है क्षेत्र में? हर जगह बिकती है, दुकान है। मतलब नंबर 2 भाई के? नंबर 1 भाई। नंबर 1 भाई। अच्छा जा बताओ आपके क्षेत्र पूरा कला में जो जनरल समस्याएं भी कहाँ हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं? अभी तो कोई नहीं है। मतलब मोदी सरकार योगी सरकार ने सब कुछ करा था तुम्हारे? नहीं, नहीं, तो कहा है समस्या? पूरा कला की प्रॉपर्टी समस्या कई है। कई है भाई, तो सुना दो। मतलब विधायक जी की बता दो। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे स्कूल की। इंटर कॉलेज नहीं है? इंटर कॉलेज। हाई स्कूल तक है? स्कूल नहीं है। हाई स्कूल भी नहीं है? प्राइवेट है का? नहीं है, कोई भी नहीं है प्राइवेट। पूरा कला में ना तो हाई स्कूल है ना इंटर है। 10,000 की पॉपुलेशन है। बच्चा पढ़े कहाँ? बच्ची का भी ताल बैठा है? नहीं है। 4 साल में जो भी नहीं करा पाए थे कि नेता? नहीं, स्कूल नहीं कर पाए। विधायक आए हैं? स्कूल विधायक आए हैं, बातें करके चले गए, काम नहीं करा पाए। काम नहीं करा। और भैया स्कूल के बारे में बताओ। भैया स्कूल यहाँ तक कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है योगी सरकार में। आज हमारे क्षेत्र में यहाँ मान सिंह यादव जी जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत क्षेत्र पूरा कला से सदस्य पद हेतु
श्रीमती कृष्णा कुमारी मानसिंह खेरा एडवोकेट को क्रमांक एक पर चुनाव चिन्ह आरी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। रस्ते अभी उन्होंने बहुत काम किए, क्या करें बताओ। जैसे कि हमारा पूरा कला में आज कम से 20 साल से यहाँ की सड़क खराब थी, किसी ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। जबकि बगीर साहब आए, जब से जिला पंचायत बने उन्होंने हमारी मेन सड़क बनवाई, जहाँ गड्ढे थे सब लोगों को अभी तालवेट से तक आगे में हालत खराब हो जाती, सड़क कहाँ बनी। ये तो भाजपा का है। मान सिंह यादव आवाज तो उठा सकते? मान सिंह यादव ने हजारों बार आवाज उठाई, उनकी आवाज को दबा दिया जाए। सरकार सुन नहीं रही है, सुन नहीं रही, मतलब अपना अपने देख रहे हैं जी। और भाई साहब विधायक जी की सुनाओ कुछ। तुम्हारे विधायक को है आए हैं, कछु कराओ है, घरे सिलेंडर है। वाह, तो भाई महंगाई कितनी हो गई? 700 कछु होगा सिलेंडर भरवा नहीं कुआ तुम। महंगाई बढ़ी है क्या घटी है? तुम्हारे अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आ गए। बताओ कैसे आ गए? किसी के दाम के देखे बिक गई भी 125 में बिकी है तुम्हारी कितनी पूरी? तुम्हारी और दूसरों की पेमेंट मिल गया? ऊपर पेमेंट कितने दिन में आओ? 8-10 दिन में। और छोटू सुनाओ क्या हाल चाल है? तुम्हें सुनाओ, नाम बताओ। अजय यादव। कितना पढ़वे जाऊ? तुम्हारे पूरा कला में स्कूल नहीं है यार, आवाज नहीं उठाई तुम लोगों ने। कोई दबाव पुलिस के नेता नेता लोग दबाव नेता तो आते नहीं है तुम्हारे तक? कौन आते नहीं है तो क्या करा उसमें? और भाई साहब सुनाओ क्या हाल चाल? सब बढ़िया है साहब। कैसी कट रही जिंदगी? बढ़िया कट रही जिंदगी। और बढ़िया वकील साहब ने साफ सफाई में तो आगे रहे। वकील साहब को झाड़ू लगा रखा? झाड़ू नहीं, उन्हें इतने के ऐसे कानून करे। अच्छा, काम करा रहे? काम कराए हैं लोगों के बीच में आते हैं। लेकिन जन जन की यही पुकार, नारे ना लगाओ। एक ही बात है कि स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है। इनने भी आवाज उठाई है वकील साहब? आवाज तो दे, भाषण तो दे कि हाँ बनवा दें, लेकिन वो स्कूल नहीं बन पाए। विधायक जी ने? विधायक जी ने। सांसद आए? कछु हुए सांसद? सांसद जी भी गए थे स्कूल बने, लेकिन बने जी भी नहीं बनवा पाओ। अच्छा, कब आए थे अनुराग शर्मा? अनुराग शर्मा फंसारे में आए थे केवल। अच्छा, जीत के नहीं आए? जीत के बाद हेरे में नहीं आए। सांसद वोट मोदी जी को दो तो योगी जी को दो? अरे वोट योगी जी को दो तो। और भाई साहब सुनाओ क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कैसी चली दुकानदारी? बढ़िया चल रही। अच्छा, ग्राहक तो खूब आते हैं? हाँ, खूब आ रहा है ग्राहक। अच्छा, लागत पहले कम लगती थी, अब ज्यादा बढ़ गई क्या? पहले कम आती ज्यादा आती, अब कम हो गई? पहला ज्यादा आती, अब कम है। अब कम है, मतलब दिक्कत नहीं है, दुकानदारी बढ़िया चल रही है। हाँ, बढ़िया। देख कौन लगे? पहले के देख कौन? 10 रुपया को आता था। बताओ के कैसे 10 को 50 में बेचने का? मोटरसाइकिल की देखी आती है? 40-50 की आती है, 70-80 की आ रही है। तुम्हारे अच्छे दिन आए? अच्छे तो जैसे पहला हमें जैसे याद है। अच्छा, पूरा कला की कहानी सुनाओ कछु, विकास की। विकास का है तुम्हारा पूरा कला? जिला पंचायत क्षेत्र पूरा कला से सदस्य पद हेतु श्रीमती कृष्णा कुमारी मानसिंह खेरा एडवोकेट को क्रमांक एक पर चुनाव चिन्ह आरी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। कला में पुलिस की गुंडई है, दारू बिकवा रही कछु है? पुलिस सही है, पुलिस सही है। अच्छा, कप्तान साहब आउट गश्त भी करते हैं? करते हैं, हर शनिवार को आते हैं। हर शनिवार को कप्तान साहब? वाह, बड़े अधिकारी, कोई ना कोई। कोई ना कोई। अच्छा, डीएम आए? और डीएम साहब भी कभी कभी? रोड मोड का नहीं बनवा पा रहे थे डीएम साहब? आउट हैं। अच्छा, तालवेट वाला रोड? और बच्चन को कितना पढ़ा रहे हैं आप कॉलेज? तालवेट में पढ़ रहे हैं। और बताओ भैया क्या नाम है? आप बात करो, क्या हाल चाल है? तुम जैसे चाय बोला हम। राम राम भज्जा। राम राम, बताओ क्या है गांव क्षेत्र की? सब बढ़िया है बच्चा। क्या भाव? सब कछु करवा भज्जा है मान सिंह वकील साहब ने। इनको मैं सबसे अच्छा जो लगे कि जो 5 साल जनता के बीच में रहे। बीच में रहे, मतलब नेता वोट लेके आउ नहीं जैसे बड़े बड़े नहीं नेता ये पूरा कला क्षेत्र से जीते हैं। जीत के जितना तो से माला डाले कड़े सुबह अपने तल घर से फोन लगाओ। जब फोन लगाओ सुबह जागत के तल घर में सो रहे, दोबारे जाओ सो जनता के वो पहुँच जाए। सुबह निकले देख सुबह कहते कि वो नेताजी है नहीं, वो वहाँ लखनऊ गए आप लोगों के लिए काम लेने। जीत जीत के बाद लखनऊ भगा लगा नेता। लेकिन भज्जा हमारे मान सिंह वकील साहब है, ये भज्जा हमेशा जनता के बीच में रहे। अगर कहो कि हम भज्जा पार्टी की बात नहीं, तो भज्जा अपने मान सिंह वकील साहब की। तिलक यादव नहीं आए? तिलक यादव नहीं आ रहे के मान सिंह वकील साहब की क्या? चंद्रपाल यादव भी नहीं आए? नहीं, मान सिंह बड़े बड़े नेता नहीं आए। मान सिंह वकील साहब को या सोरत भज्जा के कथा बची हो उन्हें फोन कह दो वकील साहब का था बजी तो 7:30 बजे रात के वकील साहब पहुंचे। एक चीज तो है, ब्याह पंगतन में तो मान सिंह भी जाओ, तो ललितपुर के सदर विधायक रावतन को सवाल जाओ, मान सिंह से बात करें। हाँ भैया, वकील साहब बहुत चर्चा हो रही तुम्हारी। चलो, चर्चा बहुत हो रही तुम्हारी। चर्चा तो होगी ही, जनता के बीच में रहे हैं तो चर्चा होगी निश्चित।
पूरा कला के क्षेत्र में हमने जो है सड़कों से लेकर बिजली से लेकर पेयजल के लिए हैंडपम्प की व्यवस्था कराई। यहाँ की जनता ने हमें विशेष आशीर्वाद और सहयोग देकर विजयी बनाया था। 10,000 की पॉपुलेशन है गांव की, बड़ा गांव है, और हमने यहाँ की जो मुख्य समस्या है जी, तालवेट से पूरा कला घुमटा घाट मार्ग जो काफी जर्जर और खराब है जी, इसके पुनर्निर्माण के लिए नवीन सड़क के लिए जी, टू लाइन सड़क के लिए कई बार ज्ञापन दिए, बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव पास कराए, जिला योजना में भी हमने इसमें जो है प्रस्ताव डलवाए, मैंने हंगामा किया, लड़ा जी जी जी। इसके बाद प्रशासन ने और शासन ने हमारी बात को नहीं सुना। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा की, यहाँ हाई स्कूल और इंटर कॉलेज नहीं है कोई। पहले जिला पंचायत का यूनियन हाई स्कूल चलता था, पिछली गवर्नमेंट में हमने वहाँ पे कोई टीचर नहीं थे, दो टीचर नियुक्त करा दिए थे। जैसे ही सरकार बदली, नई सरकार आई, उन्होंने उस टीचरों को भी हटा दिया जी। अब वो विद्यालय भी बंद हो गए हैं। इंटर कॉलेज के लिए लगातार हम लोगों ने प्रयास किया जिला बोर्ड के माध्यम से, माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से। जिला पंचायत क्षेत्र पूरा कला से सदस्य पद हेतु श्रीमती कृष्णा कुमारी मानसिंह खैरा एडवोकेट को क्रमांक एक पर चुनाव चिन्ह आरी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। और एक हाई स्कूल उच्चीकरण की जो योजना पिछली गवर्नमेंट की चल रही थी उसके माध्यम से, लेकिन हमारी मांग को शासन प्रशासन ने नहीं सुना है। इस क्षेत्र की वो बहुत बड़ी समस्या है, और आने वाले समय में हम पूरा कला से तालवेट, तालवेट से पूरा कला सड़क और इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, अनशन करेंगे। इसके इनके सांसद और इनके विधायक सांसद जी आज तक इस पूरा कला में नहीं आए जीतने के बाद। विधायक जी ने यहाँ पर कोई काम नहीं कराया, सिर्फ जो है बात झूठी बातें करते हैं, इनकी जो है संस्कृति झूठी बात। अच्छा जज सर, चलो ठीक है, पूर्वी सरकारी सरकार में अंतर का देख रहा हूँ, कैसे आपको कॉपरेट करे जा रहा हूँ काम की ना सरकार। पिछली सरकार में किसानों की सुनवाई होती थी जी, बिजली के नाम पर उगाही नहीं होती थी जी, बिजली के नाम पर वसूली नहीं होती थी, और पुलिस प्रशासन पिछली सरकार में किसानों का आने जाने वाले राहगीरों को मोटरसाइकिल के चालान के नाम पर उत्पीड़न नहीं कर पाता जी। आज के समय में चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो, चाहे किसान टांग करके अपनी डीजल बनाने जा रहा हो, प्रशासन पुलिस रोक कर उनसे पहले पैसे वसूल कर दिए जुर्माने के नाम पर। मतलब आदमी को डर भय बैठ गया बहुत ज्यादा, पुलिस तो जो है अनियत। अच्छा, कोई कंट्रोल नहीं पुलिस। अच्छा, जैसे आप सिटिंग पहले से हो इधर जिला पंचायत, फिर से जिला पंचायत, तो कौन सी चुनौतियां सामने आ रही, नए नए नेता आ रहे हैं, दूर दूर से नेता आ रहे हैं? हमारे सामने जो नेता आ रहे हैं उनका जनता से कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, वो ना जनता में रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि चुनाव के बाद भोपाल भाग जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो पहले रहे हैं और जो चुनाव जीतने के बाद 5 साल जनता में कभी दिखाई नहीं दिए, क्षेत्र के लिए कभी कोई काम नहीं किया, काला चश्मा लगा के काली फिल्म की गाड़ी का शीशा चढ़ा करके वो कभी एक आधबार इस क्षेत्र में निकले हुए 5 साल में, इसलिए जनता ने उन सबको नकार दिया है, और जनता जो है जल्द सेवा करने वाले व्यक्ति को ही सुनने जा रही है। आप सपा के नेता हो के नैया? मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ, सपा ने आपको टिकट नहीं दी, इसके बाद भी आप लड़ाते, या तो सपा में आपकी योग्यता नहीं है, सपा वाले आपको देख नहीं पा रहा है कि आपने विकास करे, काम करे और दूसरे को ये जो चुनाव है ये पार्टीगत चुनाव नहीं है, ये व्यक्तिगत चुनाव है, क्योंकि जिला पंचायत व्यक्तिगत संबंध उन पर आधारित है, यहाँ पार्टी लेवल पे कोई सिंबल नहीं मिलता किसी का, ये तो कहने के लिए है कि फला पार्टी कभी सिंबल ही नहीं देती है जी जी। स्थानीय निकाय के चुनाव में जब सिंबल नहीं मिलता तो पार्टी का क्या मतलब जी जी। इसलिए जो है हमारी पार्टी का, हमें पार्टी का सपोर्ट है, लेकिन सिंबल नहीं मिल रहा इसलिए पार्टी के लिए। अच्छा, आखिरी प्रश्न, और पार्टी ने आपके मतलब 7-8 दिन पहले ही आपका पूरा क्लियर किया है, तो क्या आज जो 40 से 45 गाँव आपके क्षेत्र में आते होंगे, क्या मुमकिन है कि 10 से 15 दिन में चुनाव तैयारियाँ हो जाएंगी? हम 2-5 साल से चुनाव में लगे हैं। नहीं, जो और कैंडिडेट ऐसे खोले हैं उन्होंने तो उसको लेकर आए, जो चुनाव में केवल आ रहे हैं वो कैसे पहुंच पाएंगे, वो लोगों संपर्क ही नहीं कर पाएंगे, हवाई होगी पूरी, असंभव है उनका। जो पुरानी तैयारी कर रहे थे उन्हें कोई सही, एक्चुअली उनका जनता से कोई लेना नहीं है, कोई धनाढ्य व्यापारी है, कोई जन क्षेत्र से बाहर के है। जिला पंचायत क्षेत्र पूरा कला से सदस्य पद हेतु श्रीमती कृष्णा कुमारी मानसिंह खैरा एडवोकेट को क्रमांक एक पर चुनाव चिन्ह आरी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं।